अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुनी ले यार। 100 अगस्त का महीना महीना आ गया क्रांति का और खून पसीना बहा के तैयारी करने का। सो लेट्स गेट इन टू इट। सो व्हाट आर द फैक्ट्स रिलेवेंट फॉर द एग्जाम? उल्लास ऐप सर, उल्लास ऐप किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। पहला सवाल तो यही बनता है। सो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है लिटरेसी के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशनल डिजिटल बेसिक लिटरेसी के लिए, उन लोगों के लिए दोज हुआर 15 एंड अबव और स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा था, उन्हें जाने का मौका नहीं मिला। सो उल्लास ऐप एजुकेशन 15 एंड अबव ध्यान रखना। देन आउटर स्पेस ट्रीटी सर न्यूज में, बिकॉज इसरो के कोई रॉकेट का कोई पार्ट ऑस्ट्रेलिया में जाके गिरे तो उसको गवर्न कौन कर रहा है? आउटर स्पेस ट्रीटी, ये यूएन द्वारा दिलवाई गई ट्रीटी है आउटर स्पेस ट्रीटी। और ये ऐसी बातें करती है कि आउटर स्पेस को पीसफुल यूज करो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यहाँ ना भेजो, और इसे इंटरनेशनल स्पेस लॉ भी माना जाता है। बेसिक ट्रीटी है ये, नहीं तो बहुत सारी और भी ट्रीटीज हैं, बट दी कोर इज द आउटर स्पेस ट्रीटी। देन एक बहुत फॉर्चुनेट खबर कि वुमेन के डिपॉजिट राइज हो गए हैं। टोटल बैंकिंग में जितने डिपॉजिट्स हैं उसमें 20.5% शेयर वुमेन का हो गया सर, टोटल डिपॉजिट, इंडिविजुअल नहीं, टोटल जितने डिपॉजिट है। और कितना राइज हुआ सर? ₹4,618 इन 5 years, पर कैपिटा राइज कितना हुआ वुमेन का? 4,618 इन 5 years, सो वेरी गुड। वुमेन अब ज्यादा सेव कर रही हैं, ये देखा जा रहा है, खासकर रूरल इंडिया में वुमेन ज्यादा सेव कर रही हैं आदमियों से, मेन से। देन विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल, विंडफॉल टैक्स सर, विंडफॉल टैक्स क्या होता है? विंडफॉल इकोनॉमिक्स का टर्म है जो बात करता है विंडफॉल गेन, विंडफॉल लॉस, विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं था एकदम से, जैसे लॉटरी लग जाना, अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया सर। सो व्हाट इज हैपनिंग, विंडफॉल क्रूड पे क्यों लगाया गया? बिकॉज रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रशिया का ऑयल मिल रहा था, उस वजह से अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रहा था रिफाइनरीज को, उस पर टैक्स लगा दिया सरकार ने विंडफॉल टैक्स, अभी उसको आज ही बढ़ाया है। राइट, देन एडिटोरियल सर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्वीट एंड सोर, ये बता रहा है इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि पॉजिटिव्स ऑफ प्रेजेंट इंडियन पोजीशन क्या है, कि प्रेजेंटली इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है, जियो इकोनॉमिक स्वीट स्पॉट जो टर्म्स में आएगा। सो चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया को क्या फायदा हो रहा है? दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया डिस्काउंटेड प्राइस, और साथ के साथ वेस्ट के साथ टाइज भी, स्ट्रेटेजिक टाइज भी डीपनिंग हो रही है, जबकि वेस्ट तो सैंक्शन लगाता है, तो इंडिया इज इन अ बेनिफिशियल पोजीशन कि उनका ऑयल भी ले जा रहा है और वेस्ट के साथ टाइज भी अपने बेटर करी जा रहा है। देन इन्फ्लेशन भी सर थ्रेशोल्ड लेवल, जो हायर थ्रेशोल्ड लेवल है 6% का, उससे नीचे नीचे रह रही है, सो इन्फ्लेशन इज बिलो द थ्रेशोल्ड। फॉरेक्स रिजर्व भी 600 बिलियन है, वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी सस्टेन्ड है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एमएनसीज भी चाइना से हटके इंडिया आने की कोशिश कर रहे हैं, सो दीज आर दी गुड थिंग्स इन द प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो। देन चैलेंजेस, ग्रोथ है जो अनइवन है, इंडिकेशंस ऑफ डिस्ट्रेस बहुत सारी हैं, फॉर एग्जाम्पल रियल रूरल वेज स्टैग्नेट करेगी या बढ़ नहीं रही है बहुत अच्छे से, मोर हाउस होल्ड मनरेगा का काम देख रहे हैं, जो हमने पिछले एडिटोरियल में देखा था, एमजी नरेगा में बहुत ज्यादा हाउस होल्ड और ज्यादा एनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, राइट। सो दैट इज प्री पेंडेमिक लेवल से बहुत ज्यादा हाउस होल्ड एमजी नरेगा में काम ढूंढ रहे हैं। देन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी कंपनीज में इतनी ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो टू व्हीलर सेल्स भी अभी लोअर लेवल पे हैं, लोअर देन प्री कोविड लेवल्स। सो चैलेंजेस भी दिख रहे हैं, स्वीट एंड सॉर बोथ है। सो ऐसे में क्या करना है सर? हमने एक पीछे एडिटोरियल में देखा था 7.6% पे 25 साल लगातार ग्रो करेंगे तभी डेवलप्ड नेशन बनेंगे 2047 तक। सो चाहे स्वीट पोजीशन है बट बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच नहीं चलेगी, स्टेटस को मेंटेन करना नहीं चलेगा। इकोनॉमी अगर स्टेटस को मेंटेन करोगे तो स्लोअर रेट पे बढ़ेगी, अगर आपको तेज ग्रो करना है द पॉलिसी फ्रेमवर्क मस्ट बी गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग कंट्रीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंड वी रिक्वायर कंसर्टेड एंड अर्जेंट एक्शन, राइट। सो जन आंदोलन, वॉर फुटिंग पे कंसर्टेड अर्जेंट एक्शन जारी रखना चाहिए। देन टर्म्स सर वक्फ प्रॉपर्टीज, आज न्यूज में था, वक्फ प्रॉपर्टी होता क्या है? मुस्लिम लॉ के अंदर रिलीजियस पायस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो प्रॉपर्टी बंदा डिसओन कर देता है कि मैं चैरिटी में दे देता हूँ प्रॉपर्टी, वो मुस्लिम लॉ में उसे वक्फ प्रॉपर्टी बोलते हैं। और वक्फ प्रॉपर्टी कौन डील कर रहा है? बेसिक आइडिया क्या हो गया? मुस्लिम ने जो चैरिटी में डोनेट करी, वो बहुत बड़ा सा लैंड हो गया लेट्स से, उसको वक्फ बोर्ड करता है, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल दोनों पे होता है वक्फ बोर्ड, वो मैनेज करता है जी, राइट। देन कमिंग टू द कीवर्ड,
जियो इकोनॉमिक स्वीट स्पॉट, स्वीट स्पॉट इंडिया जो एडिटोरियल में बात हो रही थी कि इस टाइम इंडिया ऑप्टिमम बेनिफिट ले सकता है अपने जियो इकोनॉमिक स्वीट स्पॉट का, राइट? सो वी कैन यूज दिस इन इंटरनेशनल रिलेशन आंसर्स. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एडिटोरियल में यूज करा कि इंडिया जियो इकोनॉमिक स्वीट स्पॉट में है तो बेनिफिट मैक्सिमम ले सकता है. सो रिमेम्बर दिस टर्म जियो इकोनॉमिक स्वीट स्पॉट, और स्वीट स्पॉट वैसे भी आप अपने एसेज एसेट्रा में यूज कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज इट फॉर द डे. अखबार का 5 मिनट का सार ये तो सुनी ले यार. सो कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS. थैंक यू.